एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपनी कुंडली से किस तरह से जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है कि आप जिस लग्न के जातक हैं वो तो आपको जो उस लग्न जो सप्तम भाव रहता है वो आपके जीवन साथी का होता है। तो अब मान लो कि आपका मेष लग्न है तो सप्तम भाव में तुला राशि आएगी, तो जो व्यक्तित्व है आपके जीवन साथी का वो आपके तुला राशि के जो गुणधर्म है उसके अनुसार हो सकता है। तो जो तुला राशि जो है एक सुंदर जीवन साथी को दिखाता है क्योंकि वो शुक्र की राशि है, तो सुंदरता उसका गुणधर्म बन जाता है। फिर ये भी है कि वो जो राशि होने के कारण उनका नेचर जो है वो शुक्र का जो नेचर है रोमांटिक नेचर है, तो नेचर आपका रोमांटिक टाइप का रहेगा, मौज मस्ती वाला रहेगा। तो इस वजह से आप अपने जो जीवन साथी हो अपने आप को केयरफुल अपने अपीयरेंस में रहेगा। तो ये जो सप्तम राशि है तुला वो जो शुक्र की राशि है, तो इस तरह से उसके गुणधर्म होंगे। तो इसी तरह से आप जान सकते हैं कि मान लो अगर वहाँ पे आपका लग्न मान लो मेष के बाद में वृषभ लग्न हुआ, तो वहाँ जो आठवें सातवें भाव में जो राशि बनेगी वो वृश्चिक राशि का मिलेगी। तो व्यक्ति तो आपका वृश्चिक राशि जो है उसके अनुसार हो जाएगा। वृश्चिक का राशि जो है वो मंगल प्रधान राशि हो जाती है, तो उसमें गुणधर्म तो मंगल के आ जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरह से वो मंगल मतलब सेनापति है, तो इस तरह के गुणधर्म उसमें मंगल के हिसाब से आना शुरू हो जाएंगे। तो आप हर लग्न के लिए जो सप्तम भाव में जो राशि होगी उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका जीवन साथी उसी तरह का। मान लो अगर वृश्चिक लग्न के जातक हो जाति का है तो आपके अष्टम भाव में फिर से शुक्र की राशि आ जाएगी, वो दो नंबर की राशि होगी, वृषभ राशि होगी। तो जो वृषभ राशि के जो गुणधर्म है वो आपके जीवन साथी में प्राप्त हो सकते हैं कि शुक्र जो ग्रह है ये भी सुंदरता का है, तो नाक नस्ल अच्छा होगा। फिर दो नंबर जो है खान पान का शौकीन होता है, तो वो खान पान का शौकी उनकी वाणी अच्छी होगी। इस तरह से आप जान सकते हैं। तो आप हर एक लग्न में जो भी अष्टम भाव और सप्तम भाव में जो भी राशि आएगी उस राशि का जो स्वामी बनता है उस तरह के गुणधर्म वाला आपका जीवन साथी होने के योग बना देता है। तो ये एक आप हर एक लग्न को आप इस तरह से देख सकते हैं और अपने जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं कि वो किस तरह का उसका व्यक्तित्व होगी, पर्सनालिटी होगी, ये आप सरल तरीके से जान सकते हैं। तो ये एक सरल तरीका है और जो हमने बताने की कोशिश की, आप अपनी कुंडली में लगा के देखें। और विस्तृत वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और इस तरह से हमारा चैनल अगर पसंद आया तो उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।